रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है एक बड़े हाईवे की, या फिर ऐसा कहें कि खुले आसमान की। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट वो समय है जब आपके पास समय ही समय होता है। आपको किसी भी तरह की ऑफिस जाने की चिंता नहीं होती, या फिर किसी भी तरह की कोई बच्चों की जिम्मेवारी नहीं होती। लेकिन ये गोल्डन पीरियड तभी पॉसिबल है जब आप जिस दिन से कमाना शुरू करते हैं रिटायरमेंट को उसी दिन से प्लान करते हैं, ना कि इसे टालते रहते हैं, कल करेंगे, 30 साल का होने के बाद करेंगे, या फिर जब 40 के होंगे तब देखेंगे। अगर आप कमाने के पहले दिन से ही अपनी रिटायरमेंट को प्लान करते हैं तो आपके लिए रिटायरमेंट में मौज ही मौज और बड़ी मौज आपका इंतजार कर रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा अरोड़ा है और मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। लास्ट 25 इयर्स से मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग इंश्योरेंस के ही फील्ड में हैं और हम लोग पैन इंडिया हेल्थ लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में डील करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू से ही, जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं उस दिन से प्लान करना क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको रिटायरमेंट कैसे बितानी है ये आपका डिसीजन है। आप इसे एंजॉय करके बिताना चाहते हैं, जगह जगह घूमना चाहते हैं, अलग अलग कंट्रीज देखना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, या फिर फिट रह के बिताना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है। या फिर आप किसी वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं या पैसे के अभाव में बाकी की जिंदगी बिताना चाहते हैं, ये सब आपका डिसीजन है। जितनी जल्दी आप इस पर डिसाइड करेंगे उतना ज्यादा ही आपका फायदा है इसमें। एक्चुअली अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन समय की दौड़ में इसका डिसीजन पेंडिंग रहता जाता है, और खासकर कल करूंगा वाला एटीट्यूड तो इसे बरसों आगे की तरफ धकेल देता है। फ्रेंड्स, कई लोगों को तो 50-55 साल की उम्र के बाद ही ध्यान आता है कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान किया ही नहीं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप जल्द से जल्द अपने रिटायरमेंट को प्लान करें। मैं यहाँ पर ये लेके चल रही हूँ कि आपकी उम्र 25 साल की है और अभी ही आपने कमाना शुरू किया है। 60 साल की उम्र में आप अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 35 साल हैं जिसमें आप अपने रिटायरमेंट के गोल्डन ईयर्स को प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और एनुअली उसे 10% का इंक्रीज देते हैं और एक ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आपको 12% का रिटर्न मिलता है, आप 35 साल बाद 1,77,00,000 रुपए जमा कर लेते हैं, और ये अमाउंट एक ऐसा इंटरेस्ट देता है जिससे आप अपने रिटायरमेंट लाइफ को आराम से बिता सकते हैं। और ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ कैलकुलेटर से ली है। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो असर है वो लंबे समय में दिखता है, यानी 20-25 साल बाद ही आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर नजर आता है। जैसे 1,000 रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप 35 साल बाद देखें तो 1,77,00,000 रुपए का रूप ले लेता है। तो इसलिए अपने रिटायरमेंट को जल्द ही प्लान करें। काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, ये रिटायरमेंट प्लानिंग पे 100% फिट बैठता है। सो इसलिए अपने रिटायरमेंट को जल्द ही प्लान करें। आपको अपने रिटायरमेंट ए वाली एज ओल्ड एज होम में बितानी है या फिर पूरी तरह से एंजॉय करना है, उसे गोल्डन इयर्स में बदलना है, ये आप पर है। इसलिए वेट ना करें और रिटायरमेंट को आज ही प्लान करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन आए। थैंक यू।